एक ही तीर से दो शिकार करना चाहती थी, परिणा का मर्डर भी हो जाए और सजा तुम्हें मिले। इसलिए मैंने कत्ल को प्लान ही ऐसे किया जिससे वो एक रेप केस लगे। तुम्हें याद है कपिल, हमने कोरिना को एक ग्लासेस का सेट गिफ्ट किया था? ठीक वैसा एक सेट मैं बाजार से खरीद लाई। और फिर याद है एक रात मैंने तुम्हें उसी ग्लास में बियर सर्व की थी? अब इस ग्लास पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। उसके बाद कत्ल की एक रात पहले तुम्हारे साथ इंटरकोर्स के बाद मैंने अपने बॉडी से अपना बर्थ कंट्रोल डिवाइस डायफ्राम रिमूव किया। अब इसमें तुम्हारा सीमेन था जिसे मैंने छुपाकर फ्रीजर में प्रिजर्व कर दिया। और फिर कत्ल की रात मैंने कोरिना को फोन किया, उसे मिलना चाहती थी मैं। जाहिर है उसने मुझे मना कर दिया, वैसे भी कई बार उसे फोन करके काफी परेशान कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं उसे मिलने गई। After all, I had to kill her, Kapil. यहाँ? आप क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो, मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरी जिंदगी में अब कोई और है। प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। Just leave me alone and get out. Bitch. Take it. मैं कोरिना के सर पर तब तक वार करती रही जब तक वो मर नहीं गई। फिर मैंने कोरिना के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए ताकि यह एक रेप केस लगे। फिर तुम्हारा रुमाल वहां छोड़ा और अपना डायफ्राम मैंने उसकी बॉडी में प्लेस किया। और फिर फाइनली वो बियर ग्लास जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। और मेरे प्लान के मुताबिक तुम पकड़े गए। मैं खुश थी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कोरिना के मर्डर के बाद तुम मेरे इतने करीब आ गए थे कपिल कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अब आई जस्ट डिडंट वांट टू लूज यू। मेरे सारे बनाए सबूत तुम्हारे खिलाफ, और वो ग्लास तो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता था, लेकिन अचानक वो ग्लास वहां से गायब। कपिल, जो औरत कत्ल कर सकती है वो पुलिस स्टोर रूम से ग्लास भी गायब करवा सकती है। हाँ, पुलिस स्टोर रूम से वो ग्लास मैंने ही गायब करवाया था कपिल। अब पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और तुम रिहा हो गए, और अब तुम मेरे पास हो, और सिर्फ मेरे हो कपिल, सिर्फ मेरे।